बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जो अपनी सादगी जीवन और राजनीति की वजह से जाने जाते थे, केंद्रीय सरकार ने यह फैसला लिया है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा। और इस फैसले के बाद से पॉलिटिक्स में, राजनीति में होड़ लगी है रे लेने की कि हमने कहा था, हम तो कब से कह रहे थे कि उनको भारत रत्न दिया जाए, तो हम कह रहे थे कि उनको भारत रत्न दिया जाए। और ये डिसीजन, ये फैसला मंगलवार को शाम को लिया गया है। मोदी जी ने इस पर कहा कि वो खुद भी पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनके योगदान को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उनके सामान्य न्याय नीति से देश के करोड़ों जीवन के लोगों में सुधार हुआ था। मोदी जी ने कहा कि उन्हें कभी मौका तो नहीं मिला कर्पूरी ठाकुर जी से मिलने का, लेकिन उन्होंने बताया कि कैलाशपति मिश्रा से उनके बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला था, बहुत कुछ जानने को मिला था, क्योंकि कैलाशपति मिश्रा उनके साथ काम कर चुके हैं। पीएम मोदी ने अपने लेख में बताया कि अति पिछड़े वर्ग से आने वाले कर्पूरी ठाकुर ने कठिन परिस्थिति और बाधाओं को पार करते हुए बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। और इस खबर के बाद से नीतीश कुमार बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दिए, बहुत ही ज्यादा गदगद दिखाई दिए हैं। नीतीश कुमार ने अपने एक रैली में पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए बहुत कुछ कहा है, आइए सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक, हर साल पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। तब जो भी हो, अब जो कर दिए, जिस कारण से भी कर दिए, मुझे तो खुशी है, तो बधाई देता हूँ। अब देखना यह कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद राजनीति में किसको फायदा होता है, कौन राजनीति की बाजी खेलता है, खैर वो तो वक्त बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब तक ज्ञान गंदे ना बने।